Assalamu alaikum Shahbaz Islam. Thank you for joining us today. आजकल काफ़ी ज़्यादा इशूज़ चल रहे हैं रिलेटेड टू गैस, सिटीजन्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उस बारे में मुझे आपसे कुछ आपके तासुरात पूछने थे. जनरली सुई गैस का रोल क्या है, गैस शॉर्टेज में क्या करते हैं आप? देखिए, अच्छा हुआ आपने ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि हमारे लोगों को पता चल सके कि सुई सदन गैस का क्या रोल है इन सारे सिचुएशन पर. देखिए, सुई सदन गैस कंपनी का असल काम इज़ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस, और हम लोग गैस वेल से गैस ख़रीदते हैं और हम उसको ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू समथिंग लाइक 3 मिलियन डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्री एंड सीएनजी कस्टमर्स. सो जब भी गैस की पीछे से सप्लाई कम होगी और डिमांड यहाँ पे ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है गैप क्रिएट होगा. अब ये सप्लाई इज़ नॉट माय फोर्टे, सो मुझे सप्लाई जहाँ से मिलती है, कम मिलती है तो मैं उसको फिर मैनेज करने की कोशिश करता हूँ और आपको शॉर्टेज नज़र आती है. सो इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और द शॉर्टेज इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुई सदन गैस कंपनी, ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो सर, आपने बात की गैस शॉर्टेज की और गैस डिमांड की, इन दोनों का गैप आपने अभी डिस्कस किया कि बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में क्या किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि डिमांड गैप इस वक्त है क्या. इसको समझने के लिए ये भी समझ लें कि पिछले साल से इस साल में क्या फ़र्क आया है. कोई अभी जो इस वक्त गैप है वो कोई हमारी डिमांड है वो 1220 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे है, जबकि सप्लाई 1160 मिलियन क्यूबिक पर डे है. नाउ ये जो 80 का गैप आया है पिछले साल, सिर्फ पिछले साल से इस साल पे, उसको भी समझ लेते कि कोई 60 MMCFD का गैप सिर्फ गैस फील्ड्स जो नेचुरल डिप्लीशन हुई है पिछले साल से इस साल उससे हुई है. सो वो जो पिछले साल हमारे आ रही थी उसमें 60 वहाँ कम हो गई, और 20 MMCFD तो नेचुरली जो हर साल लोग कस्टमर बढ़ते हैं उनकी कंजम्पशन बढ़ती है उसका इम्पैक्ट आता है. सो ये 80 MMCFD का तो फ़र्क पिछले साल से इस साल आ गया. सो ये जो गैप आया है वो कोई 80 MMCFD का आया, और सर्दियाँ भी इस साल थोड़ा जल्दी आई हैं. सो इस वजह से ये जो आपके सामने गैप नज़र आ रहा है वो गैप आया है. हमने सर्दियों के बारे में बात की, सर्दियों का एक्सपेक्टेड था कि इस मरतबा बहुत ज़्यादा शिद्दत पड़ने वाली है, तो इसके बारे में आप लोगों ने क्या किया कि गैस की फराहमी नॉर्मल रहे? देखिए, हमने कुछ गैस फील्ड से अपनी पाइपलाइन बिछाने के लिए पहले से काम शुरू कर दिया था, सो दैट ये जो 80 का गैप आ रहा है उसको हम कवर कर सकें. लेकिन कुछ राइट ऑफ वे के इश्यूज थे, कुछ लैंड एक्विजिशंस के इश्यूज थे जो कि सॉल्व होते होते थोड़ा सा टाइम लग गया, बट स्टिल हम वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं. और इस वक्त रहमान गैस फील्ड जो 46 किलोमीटर की डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन हम 1 जनवरी तक बिछा लेंगे, जहाँ से हमें कोई 40 MMCFD गैस आने लगेगा. और एक आयशा फील्ड है जो कि पॉलिश गैस की है, उससे भी हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं जिससे हमें कोई 23 MMCFD गैस आनी शुरू हो जाएगी. सो जो कि हम एंड ऑफ जनवरी तक करने में कामयाब हो जाएंगे. सो समथिंग लाइक 63 MMCFD गैस हमारी लाइन में आ जाएगी, जिसकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी. शहबाज़ साहब, आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों को दुश्वारी हो रही है, CNG स्टेशंस काफ़ी दिनों से बंद चल रहे हैं, तो क्या किया जा रहा है कि CNG स्टेशंस को फराहमी नॉर्मल पर लाई जाए? देखिए, पहले तो ये समझ लें कि ये CNG स्टेशंस बंद क्यों. जब ये शॉर्टेज होती है तो हमें एक गवर्नमेंट पाकिस्तान ने लोड मैनेजमेंट का प्लान दिया हुआ है, उसके हिसाब से प्रायोरिटी बनाई हुई है, एंड डोमेस्टिक एंड कमर्शियल कस्टमर्स आर आर टॉप प्रायोरिटी. ठीक है, उसके बाद इन कैप्टिव जीरो रेटेड इंडस्ट्रीज हैं, उसके बाद कैप्टिव है, और CNG हैज़ द लीस्ट प्रायोरिटी. तो जब भी आपके पास शॉर्टेज आएगी तो सबसे पहले जो बंद होगी वो CNG बंद होगी, उसके बाद कैप्टिव होगी, और फिर नाउ इस सर्दी की वजह से जो लहर आई है, हमने अपने डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर की को गैस प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले CNG बंद की है. और दिस इज अ लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम विच इज़ गिवन टू अस बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इट. हम ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर बेहतर हो, लाइन पैक बेहतर हो, और जैसे ही बेहतर होगा हम CNG स्टेशन को खोलना शुरू कर देंगे. चले, आपका जो मकसद है CNG स्टेशंस बंद करने के पीछे वो तो समझ आ गया,
लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इवन डोमेस्टिक सेक्टर में उनके घरों में गैस नहीं आ रही है, तो इसका क्या किया जा रहा है? देखिए, जनरली डोमेस्टिक और कमर्शियल में गैस आ रही है, कुछ पॉकेट्स होंगे जहाँ पे गैस की प्रॉब्लम हो रही होगी, पर हमारी 1199 पे कॉल करें, वो हम उसको देख रहे हैं, हम 24/7 काम कर रहे हैं, जहाँ से भी कंप्लेन आ रही है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जनरली ये कंप्लेन नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डोमेस्टिक कस्टमर्स में, लेकिन अगर कहीं पॉकेट्स में प्रॉब्लम है तो मैंने जैसे कहा कि 1199 पे कॉल करें लोग और हमें बताएं, शिकायत करें, हम उसको अभी आर टीम विल टेक केयर ऑफ दैट।